दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर नजर डालेंगे, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टोकन लेकर आया हूं जो कि बहुत जल्द मेरे अंदाजे के मुताबिक यूनिस्वैप को टक्कर देने वाला है और प्राइस के मुकाबले में भी ये यूनिस्वैप से ऊपर जा सकता है क्योंकि ये NFT के तौर पर भी काम करेगा और साथ ही साथ मार्केट मेकिंग इसकी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट करेक्शन के बाद दोबारा से अपने सही रास्ते पे लग चुकी है और उम्मीद कर सकते हैं कि BTC जो है वो दोबारा से 48,000-49,000 तक बहुत जल्द जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इथेरियम भी अच्छा पंप कर रहा है, इस वक्त $3,400 पे आ चुका है। पहले तो काफी ज्यादा इसने पंप कर लिया था और उम्मीद कर सकते हैं दोबारा से पंप की तरफ जाएगा। छोटे कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो XLM जो है ये एक अच्छे पंप के लिए तैयार बैठा हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी एक अच्छे पंप की तरफ जाएगा XLM कॉइन। खैर आज का जो कॉइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इसका नाम है मतलब क्या कहते हैं जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है MESWAP के नाम से और जो कॉइन है इसका है ESW। अभी इसके होल्डर्स ना होने के बराबर है, यहां से आप लोग खुद देख सकते हो, मगर जो मेजर चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो जब आप लोग देखोगे और समझोगे इसको तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये टोकन जो है ये एटलीस्ट मैं कोई बड़ी बात नहीं करता मगर 1 inch को और साथ ही साथ बल्कि 1 inch तो एक छोटी चीज़ है यूनिस्वैप यानी कि यूनी टोकन जो है उसको ये डेफिनेटली टक्कर दे सकता है इन नियर फ्यूचर। सबसे पहले को आपको एक बात समझा देता हूँ, इन लोगों की एक अपनी एक्सचेंज है, ये आप लोगों के सामने मैंने इसकी एक्सचेंज जो है ओपन कर ली है। एक्सचेंज में सिंपल वही काम है जैसे आप लोग यूनिस्वैप में करते हो, सिंपली आप लोगों को अपना कनेक्ट करना है वॉलेट और करने के बाद आप लोग यहां से इथेरियम को सिलेक्ट करो। इथेरियम को सिलेक्ट करके आसानी से यहां पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगी ESW। ESW जो है वो इन लोगों का नेटिव कॉइन है, यहां से आप लोग देख सकते हो इसकी सप्लाई वगैरह सब कुछ। और ESW जो है ये अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे मैंने तो खैर एक इथेरियम लिखा हुआ है तो काफी ज्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0.10 इथेरियम पे भी जाते हो तो आप लोग एक अच्छी अमाउंट जो है उसको गैदर कर लेते हो अपनी जानेब। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन जो है मिनिमम भी $60-70 तो आसानी से जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है इन नियर फ्यूचर। अभी MESWAP है क्या इस बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। द फर्स्ट कम्युनिटी गवर्न डेक्स विद NFT मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पढ़ते हैं तो यहां पे भी इन्होंने डेक्स तो है ही है, यानी कि एक एक्सचेंज जो कि डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, सेम लाइक यूनिस्वैप 1 inch एक्सचेंज, मगर साथ ही साथ ये लोग काम करेंगे NFT पे। स्टार्टिंग में ही इन लोगों का जो प्लान है वो NFT के ऊपर काम करने का है और NFT पे किस तरह काम करेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। गेमिफाइड रिवार्डिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड AMM एक्सचेंज पावर्ड बाय ESW गवर्नेंस टोकन एंड NFT मैजिक कार्ड्स दैट कॉम्पनसेट्स फॉर 100% इथेरियम गैस फी। देखो अब होता क्या है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है एक वो ये है कि भाई आजकल हम लोगों को मतलब उसकी वजह से बाकी कॉइन्स बाकी जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने क्यों बूम किया, क्योंकि यूनिस्वैप एक्सचेंज और बाकी जितनी भी ERC20 डेक्स एक्सचेंजेस हैं वो सब की सब बहुत ज़्यादा चार्जिंग कर रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं फी, ठीक है। मगर यहाँ पे इस कॉइन में मतलब इस कॉइन में कह सकते हो या आप इस एक्सचेंज में कह सकते हो इसमें फ़ायदा ये है कि वो आप लोगों को NFT मैजिक कार्ड्स देंगे जो कि कॉम्पनसेट करेंगे आपकी इथेरियम गैस फी। और डेफिनेटली हम सबको पता है कि NFT कार्ड्स जो हैं वो ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने आज खरीदा वो अगर 1 महीना या 2 महीने आप लोग होल्ड कर लेते हो तो उससे आप लोगों को वैसे भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमें भूल जाते हैं कि यार हम लोगों ने वो $100 अगर मिसाल के तौर पर फी का लगाया था तो $100 के बदले में $2,000 भी बन सकता है सिर्फ और सिर्फ ये NFT कार्ड कलेक्ट करके। MESWAP जो है ये एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एक्सचेंज है और इसमें ESW गवर्नेंस टोकन होगा और यील्ड बूस्टिंग NFT मैजिक कार्ड्स होंगे। ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, अ फोक ऑफ यूनिस्वैप V2। तो ओवरऑल इसका प्लान बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा ESW होल्डर्स ओन द MESWAP, नो चेंज इन द प्रोटोकॉल इज पॉसिबल विदाउट कंडक्टिंग अ वोटिंग प्रोसीजर। कोई भी आइडिया कुछ भी है अगर टीम में कुछ भी करना है कहीं लिस्ट होना है टोकन कुछ भी है तो वो सारा कुछ जो है वो कम्युनिटी से पूछा जाएगा उसके बाद ही जाके डिसाइड किया जाएगा। 0.05% ऑफ द एक्सचेंज वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ESW टोकन होल्डर्स। तो ओवरऑल आइडिया इनका काफी बेहतरीन किस्म का लग रहा है मुझे तो।
आप लोगों को क्या लगता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा ये जो एमई स्वैप है, बल्कि एमई स्वैप क्यों कह रहे हैं हम लोग, ईएसडब्ल्यू जो है, ईएसडब्ल्यू कॉम्पनसेट करेगा 100% ऑन द इथेरियम फीस पेड फॉर एनी ऑपरेशन ऑन द एक्सचेंज इन इट्स नेटिव टोकन ईएसडब्ल्यू टोकन। देखो मिसाल के तौर पर इसमें मैं आप लोगों को इस तरह मिसाल दे सकता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यहां से टोकन्स को बाय करते हो ईएसडब्ल्यू को, अब इसमें होगा क्या कि जो भी आपने फीस दी, मिसाल के तौर पे आपने दी कोई $40 फीस, ठीक है, अच्छा, उसको 100% कॉम्पनसेट करेगा ईएसडब्ल्यू, यानी कि एमई स्वैप वाले उसको आप लोगों को कॉम्पनसेट किस तरह करके देंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 816 कॉइन खरीदे, खरीदने के बाद आप लोगों की जो फी है वो लगी 0.02 की, मैं मिसाल दे रहा हूँ इथेरियम की, 0.02 इथेरियम की आपकी फी लग गई। अब वो क्या होगा कि वो 0.02 इथेरियम जो आपका है उसको इक्वल किया जाएगा इन ईएसडब्ल्यू, और उतने ईएसडब्ल्यू जो है वो आप लोगों को और भेजे जाएंगे। यहां से आप लोग देखो 100% गैस फी रिफंड, तो दैट इज अ बिग 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 थिंग कि ये लोग जो है ऐसा नहीं कर रहे कि भाई जो इथेरियम फी है वो तो भाई देनी ही देनी पड़ेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को एक फायदा है कि भाई आप लोग अगर मिसाल के तौर पे इस एक्सचेंज पे एमई स्वैप के ऊपर आके ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लोगों को आपकी फी के पैसे जो है वो ईएसडब्ल्यू कॉइन के अंदर ही वापस मिल जाएंगे। इस वक्त के मुताबिक अगर हम लोग थोड़ा सा हिसाब करें तो इसकी प्राइस कोई $2.5-3 तो चल ही रही है ऑलरेडी, तो मजीद भी पंप कर सकता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टक्कर देने आया है यूनिस्वैप एक्सचेंज को और साथ साथ यूनिस्वैप टोकन को। उसके अलावा फ्रॉम द 11th टू द 100th डे आफ्टर द लॉन्च 30,000 ESW आर प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द LPs। कर ये हमारे बस की बात नहीं है यार, 1 मिलियन टीके वालों को बात करें। एनीवेज तो उसके हवाले से ओवरऑल जो इसका आइडिया है वो काफ़ी बेहतरीन किस्म का है। और इसके अलावा अगर हम लोग NFT मैजिक कार्ड्स की बात करें, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है आजकल मगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा कि NFTs के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ ज़रूर करूं, क्योंकि आजकल NFTs काफ़ी ज़्यादा बूम की तरफ चल रहे हैं। बट आई हर्ड समवेयर के यार NFT का चक्कर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, मगर साथ ही साथ ये भी मैंने सुनने में आया है कि NFT के जितने कॉइन्स हैं वो जो है सही पंप मारेंगे अनकरीब। स्पेशली जिस तरह बाइनेंस एक्सचेंज ने अभी अभी एक बात अनाउंस की है अबाउट द NFTs जो कि हम सबको पता है। खैर यहाँ पे जी प्लेएबल, ट्रेडेबल और यील्ड बूस्टिंग NFT कलेक्टिबल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन हर बंदे को जो बंदा ट्रेड मारेगा एमई स्वैप के ऊपर उसको क्या कहते हैं NFT कार्ड्स मिलते जाएंगे। तो ओवरऑल आइडिया इज फैंटास्टिक बिहाइंड द एंटायर एक्सचेंज एंड ऑल्सो बिहाइंड द एंटायर प्रोजेक्ट। उसके अलावा बहुत ही जल्द काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाले हैं, यहाँ से आप लोग आके लिस्ट भी देख सकते हो। ये सारे के सारे इनके साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें बिटमार्ट, डिजीफिनिक्स, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस सारी की सारी शामिल हैं, और भी कुछ मजीद बड़ी एक्सचेंजेस की तरफ ये लोग जाने वाले हैं अनकरीब। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप लोगों को बेहतर लगे कि हाँ भाई ये कॉइन कुछ मतलब काबिल है, इसको बाय करने के काबिल है, तो देख लीजिएगा, इट्स अप टू यू। और ये इसकी मुकम्मल टोटल सप्लाई है ESW की, और ओवरऑल मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन अच्छा पंप कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया अच्छा है कि भाई आप लोगों को फीस के पैसे जब वापस मिल जाने हैं तो मसला किस बात का। तो इसको चेक कर लीजिएगा, इसका मैं लिंक जो है aboutemiswap.com का, इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्टली इसको जाके चेक कर लीजिएगा, और अगर दिल माने तो थोड़ा सा इसको होल्ड करके रख लीजिएगा ESW कॉइन को। ये तो हो गया जी ESW के हवाले से। अब हमारी दूसरी डिस्कशन चल रही है भाई पैनकेक स्वैप के हवाले से। कल के दिन में काफ़ी ज़्यादा डिप में गया भाई पैनकेक स्वैप का, ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिप में गई, उसकी वजह से पैनकेक स्वैप पे काफ़ी ज़्यादा असर आया। मगर अब हो क्या रहा है कि देखो पैनकेक स्वैप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सचेंज है, ठीक है, इनका टोकन जो केक टोकन है इट इज़ एन ऑसम टोकन, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कर लेना कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है। ये देखो अभी आप लोगों के लिए ये दूसरा बाइनेंस कॉइन है, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। जो अपना देखो एक मसाला लगाया जाता है ना कि यार ये हैक हो गया, अब हैक का एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि हर बंदा जो है वो अपने फंड्स बेचने की कोशिश करता है। तो केक टोकन के हवाले से इस तरह की न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कुछ 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में, तो उसकी वजह से भी इसमें इतना ज़्यादा डिप आप लोगों को देखने को मिला अपना केक टोकन में। मगर ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इन्हें बहुत जल्द दोबारा से एक अच्छे पंप की तरफ जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है अभी पैन केक स्वैप 150 से लेके $200 तक आसानी से जाएगा इन नियर फ्यूचर। तो काइंडली अगर आप लोगों के पास कॉइन्स मौजूद हैं तो उनको होल्ड करके रखो ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ से निकाल सको। अच्छा जी, लास्ट आज हमारे पास एक BSC स्कैन का कॉइन है बीगल के नाम से, BEAGLE। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में।
तो अगर बेहतर लगे तो कोई $15 या $10 से इसको बाय कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ मुनाफा वहां से हो सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों।